प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के 95वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पर पहुंच चुके हैं। आपको हम सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पूरी सिक्योरिटी आपको यहां पर नज़र आ जाएगी और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो सामने से अब लालकृष्ण आडवाणी के घर के अंदर जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँचे हैं लालकृष्ण आडवाणी जी को बधाई देने के लिए उनके 95वें जन्मदिन पर। और इसके साथ साथ अब प्रधानमंत्री की जो गाड़ियां हैं वो अब अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर रहते हैं, और उस दिन अगर लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन हो तो वो ऐसे समय में वक्त निकाल कर पहुँचते हैं लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। पिछले साल भी देखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए थे, इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए थे, जेपी नड्डा पहुँचे हुए थे। और ऐसे में गुजरात दौरे के दौरान अब यहाँ पर जब प्रधानमंत्री दिल्ली पहुँचे हुए हैं तो लालकृष्ण आडवाणी से उनका जो स्नेह रहा है, जो प्रेम रहा है, उसे देखते हुए वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट करने में भी एक अहम भूमिका लालकृष्ण आडवाणी की रही है 2014 से पहले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था उस दौरान भी कई बार ऐसी बातें बाहर निकल कर आई थी कि लालकृष्ण आडवाणी नहीं चाहते हैं कि कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हों। जब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं दिल्ली और उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करते हैं, उनके पास जाकर बैठते हैं और पूछते हैं कि आखिर आप की मेरे प्रति नाराज़गी क्या है, तो ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, हम तो खुद चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। ऐसे में चाहे वो गुजरात का दंगा हो, उस दौरान भी नरेंद्र मोदी के को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए गए थे पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर विपक्षी नेताओं के द्वारा, तो ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी ही वो शख्स थे जिन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ऐसे में हर उस छोर पर जहां भी ज़रूरत रही नरेंद्र मोदी के साथ लालकृष्ण आडवाणी हमेशा खड़े रहे। यही वजह है कि हर उस शुभ मौके पर और जब भी आडवाणी जी के घर से बुलावा आता है तो नरेंद्र मोदी फौरन उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। और आज जब भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन है तो ऐसे में उन्हें बधाई देने के लिए लालकृष्ण आडवाणी अब पहुंच चुके हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, News24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।